धार जिले की धर्मपुरी के वार्ड क्रमांक 5 के रहवासी बरसों से मुख्य मार्ग के लिए मांग करते आ रहे थे, लेकिन हमेशा कॉलोनी वासियों को नेताओं से आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। रहवासियों ने कलेक्टर आलोक कुमार सिंह को शिकायत की, जिसके बाद कलेक्टर के निर्देश पर SDM राहुल चौहान ने आधारभूत मांग को गंभीरता से लेते हुए कब्जे वाले मार्ग को खुलवाया, जिससे रहवासियों में हर्ष का माहौल व्याप्त है। रहवासियों ने प्रशासन का आभार माना। कॉलोनी वासी बरसों से खाली पड़े एक भूखंड से आवाजाही करते थे, लेकिन कॉलोनी मालिक ने उस प्लाट को विक्रय करने का निर्णय ले लिया, जिससे पीछे की ओर के नर्सरी कॉलोनी में बने करीब 60 मकानों के रहवासियों का एकमात्र मार्ग बंद होने की कगार पर आ गया। खाली पड़े भूखंड को परेशान रहवासियों ने 4,11,000 रुपए की राशि इकट्ठा कर खरीद भी लिया, लेकिन यह स्थायी समाधान नहीं था। कॉलोनी के पीछे की ओर बाईपास से फतियापुर मार्ग है, जिससे मिलने वाली सरकारी जमीन पर एक व्यक्ति ने बरसों से जबरन कब्जा कर रखा था। कई परिषद निकल गई, लेकिन सभी कब्जा हटवाने में नाकाम साबित हुए। सीमांकन के लिए तहसील कार्यालय में 3 बार आवेदन दिए, लेकिन नाकामी हाथ लगी। रहवासियों ने इसकी शिकायत कलेक्टर धार को की। उन्होंने लोगों की परेशानी देखते हुए तत्काल तहसीलदार को सीमांकन करने हेतु कब्जा हटाने और मार्ग चालू करवाने के लिए निर्देश दिए, जिसके बाद दिसंबर माह में भूमि का सीमांकन हुआ। सीमांकन में सरकारी रास्ते सहित रास्ते से लगी भूमि पर एक व्यक्ति का कब्जा पाया गया। सीमांकन के बाद रहवासियों की मांग थी कि रास्ते से कब्जा हटवाकर उन्हें रास्ता दिया जाए, लेकिन स्थानीय प्रशासन कब्जा हटवाने में नाकाम साबित हो रहा था, जिसके बाद फिर कलेक्टर श्री सिंह को शिकायत की गई, जिसके बाद कलेक्टर श्री सिंह ने SDM राहुल चौहान से कब्जा हटवाकर रास्ता खुलवाने के निर्देश दिए, जिस पर SDM राहुल चौहान ने सख्ती से कार्रवाई करते हुए रास्ता खुलवाया। प्रशासन के त्वरित निर्णय बरसों से परेशान कॉलोनी वासियों को मार्ग मिला, जिस पर रहवासियों ने हर्ष जाहिर करते हुए प्रशासन का आभार व्यक्त किया। भारतीय न्यूज के लिए धर्मपुरी से जफर अली की रिपोर्ट। कलेक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आने जाने का बहुत परेशानी पूर्ति थी, अब बना देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। रोड RCC यानी पक्का रोड बन जाएगा। हाँ, पक्का रोड बन जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। सर, ये बहुत पुरानी समस्या थी हमारों को, बहुत अच्छा करा आपने, जो भी करा हो। कीचड़ में निकलते थे हम, हमारे बच्चे भी स्कूल आते थे कीचड़ में निकलते, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको, ये करा बहुत अच्छा है। और थोड़ी सी मांग हमारी और है कि थोड़ा खुज तक चला जाए और दो पाइप डाल के ना जरा पुल बना दे तो वो भी अच्छा है सर। परेशानी ये थी कि इस कॉलोनी नर्सरी में करीबन 60 से 70 मकान है, जिसमें आने जाने का रास्ता चालू नहीं था। हम धन्यवाद करना चाहते हैं कलेक्टर साहब आलोक कुमार सिंह जी को और SDM सर राहुल सिंह जी चौहान जी को, क्योंकि उन्होंने इस मामले को संज्ञान में लिया, क्योंकि बहुत दिनों से हमारे क्षेत्रवासी इस रास्ते के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, तो उन्होंने मामले को संज्ञान में लेते हुए रास्ते का चौड़ीकरण करवाया और रास्ते से कब्जा हटाया, जिससे कि अब यह मार्ग आम जनता के लिए खुल गया है। और हम बस एक ही निवेदन और करना चाहते हैं कि ये रास्ते को सीमेंट कंक्रीट जल्दी से जल्दी कर दिया जाए, ताकि बारिश की परेशानी भी ख़त्म हो जाए। पूरे प्रशासन का धन्यवाद करना चाहते हैं इसलिए। इस वक्त हम मौजूद है धर्मपुरी नगर के वार्ड क्रमांक 5 नर्सरी कॉलोनी में। यहाँ पर एक बड़ी समस्या बनी हुई थी, यहाँ के जो रहवासी हैं उनको निकलने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। यहाँ पर एक पुराना मार्ग था जिसे फतियापुर मार्ग के नाम से जाना जाता है। इस फतियापुर मार्ग पर एक व्यक्ति के द्वारा कब्जा किया गया था। यहाँ के रहवासियों ने अनेकों आवेदन दिए, सीमांकन के लिए आवेदन दिया। 6 महीने पूर्व इसका सीमांकन हुआ। इस पर यहाँ पर एक सरकारी भूमि निकली, सरकारी रास्ता निकला, जिसके बाद यहाँ का जो स्थानीय प्रशासन था कहीं ना कहीं वो नाकाम साबित हो रहा था यहाँ से कब्जा हटवाने में, जिसके बाद यहाँ के रहवासियों ने कलेक्टर आलोक कुमार सिंह जी से निवेदन किया। कलेक्टर आलोक कुमार सिंह जी की तत्परता से उन्होंने मामले को गंभीरता से लेते हुए SDM राहुल चौहान जी को निर्देश दिए, जिसके बाद में यहाँ का जो रास्ते पे अवैध कब्जा था उसको राहुल चौहान जी के मार्गदर्शन में तहसीलदार योगेंद्र सिंह मौर्य ने चौड़ीकरण करवाया। अब यहाँ के जो रहवासी हैं इनमें कहीं ना कहीं खुशी का माहौल देखा जा रहा है, और यहाँ के रहवासी चाहते हैं कि इस रोड का जो चौड़ीकरण हुआ है इसको RCC पक्का निर्माण हो जाए, जिससे यहाँ पर जो बारिश में जो लोगों को निकलने में परेशानी का सामना करना पड़ता है वो भी खत्म हो जाए। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।